यकीन मानिए, जिस तरह सतीश कौशिक हम सबको छोड़कर गए ना, ये बात जज्ब करना मुश्किल हो रहा है कि वो हमारे बीच नहीं है। ऐसा लग रहा था कि अभी कल ही तो इनसे मुलाकात हुई थी, अभी तो इनसे बात हुई थी, लेकिन होनी को भला कौन टाल सकता है। हालांकि जब से वो गए हैं, इस एक दिन के अंतराल में बहुत से इंटरव्यूज उनके पुराने हमने देखे, लेकिन सास बहू और साजिश यानी SBS ओरिजिनल्स के साथ उनका आखिरी इंटरव्यू था उनकी अपकमिंग सीरीज पॉपकॉर्न सीरीज के लिए। तो ये आखिरी इंटरव्यू, आखिरी मुलाकात SBS ओरिजिनल्स के साथ, आइए हम दिखाते हैं। पॉपकॉर्न पे बटर बटर, सेट पे सबसे फूडी कौन है? पॉपकॉर्न खा रहा हूं, पॉपकॉर्न खा रहा हूं। ये तो जिसके हाथ में आया है। ब्रेकफास्ट भी करता था, लंच भी करता था, डिनर भी करता था। I'm joking। कॉमेडी तब तक पूरी नहीं होती जब तक उसके अंदर अगर दिल को ना छुए, अगर आपको वो मतलब होता ना गीलापन ना लेके आए, तो ये कहानी जो है जबरदस्त ऐसा होगा कि आपको हंसाएगी भी, गुदगुदाएगी भी, और आपको हिंदुस्तानी भी फील कराएगी। क्या बात है, क्या बात। हाय गाइस, आज हम लोग एक पॉप एंड चैट कर रहे हैं एट SBS ओरिजिनल्स, तो चलिए शुरू करते हैं। पॉपकॉर्न पे चर्चा। सेट पर कौन लेट आता था? नुपुर पकड़ी, पॉपकॉर्न खाएगी। आई एम सॉरी, मेरा है ना। हाँ, पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न खाएगी। मैं तो नहीं आती थी, मैं अच्छे बच्चों की सबसे पहले आती थी। बट यार ये मेरा फर्स्ट डे है। चंकी जी से मेरे लिए क्या कर रही हो मुझसे? अरे चंकी जी, मैं बता रहा हूँ, बोल नहीं नहीं आप चंकी, आप बताइए कौन आता था? चंकी सर आते थे क्योंकि वो यहाँ नहीं है। सेट पे सबसे फूडी कौन है? माय गॉड यार, ये तो जिसके हाथ में आया है। मैं अपना नाम ले सकता हूँ? नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। यार क्या है, सेल्फ डेप्रिकेटरी। अपना जयपुर में शूटिंग थी, राजस्थान में गर्मी में, खाने का दिल करता था, अच्छी अच्छी लोकेशन थी, इतने थक जाते तो खाने का दिल करता था। राजस्थानी तो फूडी, मेरे से बेटर तो कोई था नहीं था। मैं सबसे ज़्यादा खाना खाता था, ब्रेकफास्ट भी करता था, लंच भी करता था, डिनर भी करता था, उसके बाद सो जाता था, नहीं तो कर लेता कुछ ना कुछ। कौन सा किरदार आप पॉपकॉर्न में से निभाना चाहेंगे और क्यों? अपने अलावा। अच्छा, मुझे लगा जैसे मुझे ऑडियंस में से बुलाया गया, इसमें से कौन सा करना चाहेंगे आप? मेरा डायरेक्टर बोल दो। ये तो बात सही है ना। मैं चैनल का रोल अदा करना चाहूंगा, पैसे बहुत मिल रहे हैं। सेट पर किसके पास सारी खबरें होती हैं? अश्विनी कालसेकर। उनके पास सेट पर किसके पास खबरें होती, खबरें होती थी उनके पास? सिर्फ क्या बोलते हैं, दैनिक वाला चक्कर नहीं था ना, के महाराष्ट्र वाला चक्कर था ना, के इंडिया वाला, पूरे वर्ल्ड की खबर उसके पास। अश्विनी इज, आई थिंक सो एवरीवन एग्रीज विद दैट, 100%। सोशल मीडिया पर कौन है सबसे एक्टिव? दस सेकंड में अपनी कॉमेडी से सबको हंसाए हैं, क्या बात? ओह माय गॉड, सुबह भी आपको एक चिट आई थी उसमें। एक्यूरेट सर, 10 सेकंड एक्यूरेट। तो जस्ट बता दूं मैं कि हमारे शो में भी सर का रोल वही है कि हर 10 सेकंड के लिए वो अटकते हैं। सो नाउ इज गॉट दैट चीट, कम ऑन। मेरे को ही आना था ये। हां क्या बात है सर, परफेक्ट। मैं शब्बो तुमको हैदराबाद लेकर जाते भाई। सब लोग अपने अपने कुर्सियों पर आराम से बैठो, उठो नको बोल रही भाई, खुदा के बाद से देखो मेरी बात सुनो, बोल के बोल रही भाई। हाँ, ये खिड़की थुकने का रास्ते नहीं, कौन थुका रहे माटी मिले पैदल? हाँ होगा, हाँ मित्र हो, अब आपको ऑक्सीजन का सब दिखाते। ऊपर गए तो बादलों में क्या क्या प्रॉब्लम होता है, तो ऑक्सीजन को लेने का ऐसे तकलीफ होती, तो ऊपर से ऑक्सीजन के पाइपा गिरते, हे सापाए बोल के पुकारा ना को करो तुम लोग। हाँ मोस बैठो, और खाने का से तुम लोगों को खिचड़ा भी देते हम लोग, और क्या कि वो बिरयानी गिरयानी जो कुछ है वो सब बराबर देते, पत्थर का गोश्त देते, पत्थर का गोश्त खास स्पेशल है फूड, वो देते, और आराम से बैठना भाई, तो खा आराम से खा लो, ऊपर वाले का नाम लो, खुश रहो। हाँ चलो पट्टा बांध लो, उतरते हम लोग नीचे, ये माटी मेले बैठ रहे, क्या ट्रेन छोड़ के आया तू? ट्रेन का पैसेंजर लग रहा, बैठ जा।
चंकी पांडे या जॉनी लीवर को देखकर आपको क्या याद आता है? बाबा मेरे को कुछ नहीं याद आता है बाबा, ये मेरे बाप है यही पता चलता है बाबा कि बाप बाप होता है। अब्बा जब्बा डब्बा डब्बा दो डब्बा दो। कौन है आप में से कौन है सबसे भुलक्कड़ इनेक्ट करें उनकी तरह भुलक्कड़ आप में से कौन है भुलक्कड़ यार? चंकी सिर पे डाल दो सर उन्नी। हाँ चंकी बहुत भुलक्कड़ है, उसको पता नहीं होता कौन सा शो किधर है, किधर जाना, किधर एक्टर लेके जाने, किधर खुद आना, उसको बहुत भुलक्कड़ है। I'm joking. तेरे पास हमेशा किताब आती है। I know. पूरी किताब है। अच्छा मुझे पहले तो BTS बता दो क्या है? Behind the scenes. Behind the scenes. वो कोरिया का बैंड भी है, बट ये उसके बारे में नहीं है। BTS. BTS की कोई खास बात जो आप नहीं भूल पाएंगे हमें भी बताएं। पहले तो याद करनी पड़ेगी। मैं क्यों बताऊं, पर्सनल है। किसकी कव्वाली है सबसे बेस्ट? हाँ तो शारिब तोशी हमारे शो में भी है तो उनकी कव्वाली बेस्ट है, क्योंकि उनका एक कव्वाली कव्वाली गा दो ना यार, क्या दो लाइन तो गाओ यार। बता बंदे तू किसका पाप है, बता बंदे तू किसका पाप है, बाप है तो फिर कौन बाप है, बाप है तो फिर कौन बाप है। अल्लाह बता 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 है, बता 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 दे बता। मेकअप में किसको सबसे ज्यादा टाइम लगता है? तेरे को मेकअप में करना नहीं बट दो पगड़ी एंड पगड़ी दाढ़ी। अच्छा ठीक है, टाइम टेकिंग सबसे ज्यादा टाइम सर को लगता था। हाँ क्योंकि सरदार बनना पड़ता था भाई। सर वो आपके लिए बोल रहा है पर पॉइंट मुझे कर रहा है। ओहो अच्छा अच्छा। पॉपकॉर्न थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करे। नहीं नहीं ये चित नहीं है, यही है। यही नहीं है अरे दौड़े मेरे में। मुझे लगा था आपकी की बात कैसे आ रही है। थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करे। पॉपकॉर्न है ये सस्पेंस है और आपको देखना है और आपको इतना मजा आएगा कि हर बार आप बोले आप खुद सोचेंगे ये है पक्का ये है वो नहीं होता है, फिर आप बोले ये है वो नहीं होता है। पिक्चर खत्म हो जाती है फिर भी आपको पता नहीं चलेगा पॉपकॉर्न। फिर पता चलेगा पॉप ये है तो आपके दिमाग की वाट लग जाएगी। आपने सोचा क्या था, हुआ क्या, किसी के पकड़ में नहीं आ सकता है, ये है पॉप। क्या बात है, क्या बात आप है? देखिए मजा आएगा। 17 मार्च हम 17 मार्च को देखिए पॉप। आप रियली हॉटस्टार पे डिज्नी प्लस हॉटस्टार। नहीं ये पॉपकॉर्न जो है एक रोलर कोस्टर राइड है, ह्यूमर की, कहानी की, अपने रिश्तों की और अपने इमोशंस की राइड है। मतलब ये बहुत एक इस तरह का प्रोग्राम है जो सिर्फ कॉमेडी तब तक पूरी नहीं होती जब तक उसके अंदर अगर दिल को ना छुए, अगर आपको वो मतलब होता ना गीलापन ना लेके आए, तो ये कहानी जो है ज़बरदस्त ऐसा होगा कि आपको हंसाएगी भी, गुदगुदाएगी भी और yes. आपको हिंदुस्तानी भी फील कराएगी। क्या बात है, क्या बात, नो डाउट सर, वेरी प्रॉपर। अच्छा इसमें स्टैट्यूटरी वार्निंग डाली हुई है ना इस शो के लिए कि सीट बेल्ट पहन के देखें क्योंकि आप पक्का गिरेंगे और हड्डियां वड्डियां टूटेंगी और हाँ ऑर्थोपेडिक्स का जितना भी खर्चा होगा वो चैनल भरेगा। चले ABP News, आपको रखे आगे।